हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले जाइजल एम सस्पेंशन के बारे में। तो इस मेडिसिन को लेने के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट रहती है, डॉक्टर की चिट्ठी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो दोस्तों, इसे मैन्युफैक्चर करता है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। अब इसके कंटेंट के बारे में बात करते हैं। इसमें कंटेंट है लियोसेट्राजिन 2.5 mg और मोंटेलीपास 4 mg पर 5 ml। तो दोस्तों, इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं। इसकी प्राइस है 60 ml के लिए 106 रुपया। तो दोस्तों, बात करेंगे इसे डॉक्टर कब प्रेस्क्राइब करता है, कितने समय के लिए प्रेस्क्राइब करता है, इसके डोसेस क्या हो सकते हैं और इसके साइड इफेक्ट्स के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। तो कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप मेडिसिन की जानकारी हिंदी में रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो दोस्तों, इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट जो है, उनके दोनों के काम के बारे में बात करें, कैसे वर्क करते हैं। तो इसमें जो लियोसिट्राजिन है वो क्या करता है, केमिकल मैसेंजर रहता है जैसे हिस्टामिन, तो उसी को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बच्चों में जो नाक बह रही थी और आंखों से पानी आ रहा था, उससे जो बार बार छींकें आ रही थी, तो उसमें वह रिलीफ दिलाता है। और इसमें जो मोंटेलीपास है दोस्तों, यह एक ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट है। ये क्या करता है कि जो सर्टन केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है और एयरवेज जो हमारी जो बच्चों की सांस की नली रहती है उसमें स्वेलिंग होता है, तो उसी को यह ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से उसमें स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन कम होता है। तो दोस्तों, इस तरह से दोनों मॉलिक्यूल काम करते हैं। तो डॉक्टर इसे तभी प्रेस्क्राइब करता है जब बच्चों को बार बार छींक आ रही है और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अस्थमा टाइप है, और दोस्तों बच्चों को बार बार आंखों से पानी आ रहा है और उसको बार बार एलर्जिक खुजली हो रही है, तो उस टाइम डॉक्टर बच्चों को प्रेस्क्राइब करता है जाइजल एम सस्पेंशन। तो दोस्तों, जाइजल एम सस्पेंशन लेने से पहले आप एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें, अपने फैमिली फिजिशियन या आपके जो पीडियाट्रिक डॉक्टर उनसे एक बार जरूर सलाह लें। और इसके डोज और ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं, डिपेंड करता है दोस्तों कि बच्चे की सीवियरिटी कैसी है। तो जैसे आपको डॉक्टर आपको एडवाइस करता है इसके डोज एंड ड्यूरेशन के बारे में, तो आप उस हिसाब से फॉलो करें। मेनली इसको आपको 3 दिन तक लेना रहता है, लेकिन आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें और दवा पिलाने से पहले से एक बार अच्छे से सेक कर लें, अच्छे से इसे मिला लें और अच्छे से इसका जो लेबल उसे पढ़ लें, चेक कर लें। तो दोस्तों, इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें, तो जैसे आप इसे फर्स्ट डोज देते हैं, सेकंड डोज देते हैं, तो बच्चे को बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलने लगता है। बच्चे को जो बार बार आँख से पानी आ रहा था और जो बार बार छींक रहा था और उसको जो खुजली वगैरह हो रही थी, तो कम हो जाएगा। तो इसे आपको तभी देना है जब बच्चों को, मतलब शाम का समय हो, जब बच्चों को कोई ऐसा बाहर जाने का नहीं हो या बच्चों को अच्छे एक अच्छा जगह पे घर पे रहने का आराम करने का, तभी दीजिए इसे दीजिएगा। तो दोस्तों, यह अवेलेबल है मोस्टली, आपको हर मेडिकल पे मिल जाते हैं और नहीं मिलेंगे तो आपको बड़े मेडिकल पे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आप इन्फॉर्मेटिक लगते हैं तो एक लाइक कर दें, और भी आप वीडियो देखना चाहते हैं रिलेटेड बच्चों के मेडिसिन से तो राइट हैंड साइड में जो प्लेलिस्ट से प्ले करके देख सकते हैं, और आप देखना चाहते हैं कि खांसी के रिलेटेड वीडियो तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वीडियो से प्ले करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, कोई आपका अगर क्वेश्चन है जाइजल एम सस्पेंशन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने कभी अपने बच्चों को जाइजल एम सस्पेंशन दिया है तो उसके क्या बेनिफिट्स आपको मिले हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।